दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जीबी व्हाट्सएप के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर हमने जब से जीबी व्हाट्सएप को अपडेट किया है तब से मैं किसी को ऑनलाइन नहीं शो कर रहा हूं या फिर कोई दूसरा भी ऑनलाइन नहीं शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से इस प्रॉब्लम को आप दूर कर सकते हैं अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो बने रहेगा वीडियो के साथ में। कहीं पर आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको पूरा देखना है और अच्छे से देखना है ताकि कोई भी स्टेप आपको छूटे ना। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से आप इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, तो आप बने रहेगा वीडियो के साथ में। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने जीबी व्हाट्सएप के बारे में। तो यहाँ पर हम जीबी व्हाट्सएप को ओपन करते हैं और जैसे मैं अपने यहाँ पर जीबी व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो होम स्क्रीन होगा कुछ इस प्रकार से शो करेगा। यहाँ पर आपके सारे चैटिंग आपको शो कर जाएंगे जिनसे आप चैटिंग करते होंगे। यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी चैटिंग है आपको यहाँ पर दिख रही होगी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि किस प्रकार से इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं अगर आप किसी को ऑनलाइन नहीं शो कर रहे हैं या फिर कोई दूसरा बंदा आपको ऑनलाइन नहीं शो कर रहा है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर राइट साइड में थ्री डॉट लाइन पर क्लिक करना होगा और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है रीस्टार्ट व्हाट्सएप। आपको यहाँ पर सबसे पहले क्लिक करना है रीस्टार्ट व्हाट्सएप पर। जैसे आप यहां पर क्लिक करते हैं तो आप यहां पर देखेंगे कि आपका जो व्हाट्सएप होगा वो रीस्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपको यहां पर राइट साइड में थ्री डॉट लाइन पर क्लिक करना है और जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहां पर एक सेटिंग मिल जाएगी जीबी सेटिंग, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक फर्स्ट नंबर की जो सेटिंग देखने के लिए मिल जाती है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा हाइड ऑनलाइन स्टेटस। जी हाँ फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है हाइड ऑनलाइन स्टेटस के जस्ट नीचे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है फ्रीज लास्ट सीन। आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर आपका जो ये ऑप्शन दिया हुआ है अगर ये इनेबल है कुछ इस प्रकार से ऑन है जैसे यहाँ पर दिख रहा है तो आपको इसको क्या करना है ऑफ कर देना है कुछ इस प्रकार से। इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से थोड़ा सा बैक होना पड़ेगा, तो चलिए मैं यहाँ से बैक होता हूँ और बैक होने के बाद और भी इसमें कुछ सेटिंग्स हैं जो आपको करनी होंगी। तो फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको हमारे यहां पर लास्ट सीन शो करने लगी होगी टुडे एट यहां पर 6:29, आप यहां पर देख सकते हैं 6:29 आपको पीएम यहां पर देख सकते हैं कि 6:29 पे यहां पर ये बंदा ये ऑनलाइन हुआ था। आप चलिए अगली सेटिंग्स मैं आपको बता देता हूं, अभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अगली सेटिंग्स भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आपको राइट साइड में थ्री डॉट लाइन पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहां पर नीचे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा सेटिंग्स का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर चले जाना है अपने यहाँ पर अकाउंट वाले ऑप्शन पे। आप यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो देखने के लिए मिल जाता है प्राइवेसी का, आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है लास्ट सीन का। अब आपको यहाँ पर लास्ट सीन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि आपका यहाँ पर जो होना चाहिए माय कॉन्टैक्ट्स होना चाहिए या फिर एवरीवन होना चाहिए, यहाँ पर नोबडी नहीं होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर अगर आपका नोबडी है तो आप इसको माय कॉन्टैक्ट्स कर दीजिएगा या फिर माय एवरीवन कर दीजिएगा। यहाँ पर इतना करने के बाद आपको फिर से अपने होम स्क्रीन पर चले जाना है और जाने के बाद मैं आपको एक सेटिंग्स और बता देता हूँ, वो भी आपको चेक कर लेना होगा। उसके बाद में फिर से आपको यहाँ पर राइट साइड में क्लिक करना है, थ्री डॉट लाइन पर क्लिक करना है। थ्री डॉट लाइन पर जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर जीबी सेटिंग पर क्लिक कर देना होगा। तो चलिए मैं यहां पर क्लिक करता हूं और यहां पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। अब इनमें से एक ऑप्शन और आपको करना है जो आपको मैं बता देता हूँ। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है होम स्क्रीन वाले ऑप्शन पर। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, नीचे आपको यहाँ पर जाना है और नीचे जैसे आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा डिसेबल कॉन्टैक्ट ऑनलाइन टोस्ट। आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका अगर ये इनेबल होगा तो आपको इसको क्या करना है, आपको इसको डिसेबल कर देना होगा। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको यहां से बैक हो लेना है और बैक होने के बाद मैं आपको यहां पर लास्ट ऑप्शन बता रहा हूं जो आपको करना है। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको यहां पर आपका जो जीबी व्हाट्सएप होगा उसका यहां पर लोगो शो कर रहा होगा, आपको अपने लोगो पर क्लिक करना है यानी प्रेस करके रखना है थोड़ी देर, और जैसे यहाँ पर प्रेस करके आप रखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है ऐप इन्फो। आपको यहाँ पर ऐप इन्फो पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपका ये पेज खुल जाएगा। इतना होने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर चले जाना है स्टोरेज पर। आपको यहाँ पर एक स्टोरेज का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, आपको यहाँ पर स्टोरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता होगा
क्लियर कैच, आपको यहाँ पर क्लियर कैच पर क्लिक करना है। ध्यान रहे कि आपको यहाँ पर क्लियर डाटा नहीं करना है, वरना आपका जो भी डाटा होगा डिलीट हो जाएगा। तो आपको क्लियर डाटा नहीं करना है, आपको यहाँ पर क्लियर कैच करना होगा। तो क्लियर कैच यहाँ पर आपको कर देना होगा। इतना करते ही फ्रेंड्स आपका जो व्हाट्सअप होगा इसमें आपके कॉन्टेक्ट में जितने भी लोग होंगे वो ऑनलाइन शो करना स्टार्ट कर देंगे और आप भी उनको ऑनलाइन शो करना स्टार्ट कर देंगे। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू एंड धन्यवाद। जय हिंद।